सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक। हाय, मैं हूं दया। मैं अपने लिए या अपने घर संभालने के लिए नहीं जा रहा हूं। एक बेकार लड़के के लिए दिए हुए वादे के ऊपर यहाँ से जाने की नौबत आई। उसके लिए मुझे किसी से ओ तेरी। आप देख रहे होंगे कि ये लड़का इतना स्टाइल क्यों मार रहा है। वो बेकार लड़का यही है मेरा दोस्त रोहन। इसी से मैं प्यार करता हूँ। मेरी जू है मेरी बहन आशा। इसके दिए हुए वचन की वजह से ही मुझे यहाँ से निकलना पड़ा। क्यों भाई? साले मस्त है रे। पक्का है ना? कमाल कर दिया रे। ए टाइम हो गया, चल चलते हैं। अच्छा ठीक है, शुरू कर दिया क्या? चल अंदर। ए रुक बे, कामिनी 30 साल मेरी बगल वाली सीट पे रे। हेलो बॉस। हाँ जाइए सर, हर वक्त आ जाते। उधर देखना, अगर यही वो काम नहीं हो तो भगवान मेरे पे भी तरस खा ले। अच्छा चल, थोड़ा एंजॉय भी नहीं करने देते। ट्रेन राइट टाइम पर है क्या? हाँ, प्रॉपर टाइम पे है। ओके। क्या देख लोगे तुम? ए, काम ही नहीं रे, इसको रख के मैं क्या करूँ? किधर जा रहे हो? बैंगलोर जा रहे हैं सर। आपके बैग्स को चेक करना है। मिनिस्टर की बहन इस ट्रेन में ट्रैवल कर रही है इसलिए। ओके, आप बैग चेक कर लो, हम कामिनी को चेक कर लेते हैं। यार जो तू सोच रहा है वो बहुत गलत है यार। क्या बोला? कुछ नहीं सर, इसको बोला। अरे सर, मिनिस्टर की बहन अकेले जा रही है, आप नहीं आ रहे? अब तक तो तमिलनाडु पुलिस था, अब से कर्नाटका पुलिस रहेगा। जला के रख देंगे, बी केयरफुल। इसके बारे में पहले कहीं तो सुना था ना हमने। और कौन, मेरा बाप ही। थैंक यू मैडम, हैव अ सेफ जर्नी। वो भी तेरे बाप की तरह है रे। ओके। हाँ क्या यही है कामिनी? बहुत अच्छी लग रही है। मैडम, एनी हेल्प? प्लीज सिट डाउन। हट बे, हर वक्त हम लोग ही पीछे भागते हैं लड़कियों। मैडम, आपका सीट नंबर? अच्छा ठीक है। मेरा नाम दया है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कैसे? चुप कर, हम लोग एक शादी के लिए जा रहे हैं। इसी की शादी है? मैं तो सिंगल हूँ। और मैडम आप? इसकी हाथ इतनी सुंदर है। कोई बात नहीं, शर्म मत कीजिए, हम तो अभी थिक फ्रेंड्स बन गए ना। उतना ही? इतनी जल्दी? चुप करना तू भी साले। आई लव म्यूजिक। ओ शुरू हो गया।
ओ नो, इतनी जल्दी अरकोनम पहुंच गया? क्या हुआ? एक बंदर चढ़ने वाला अभी। बंदर? अभी आएगा, देख लीजिए। ये, we are getting married tomorrow. ये, आंटी, थोड़ा हट के बैठ जाओ ना। Actually, my father accepted everything. फोन कर रही हूँ, क्यों नहीं? क्यों? क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? खुश नहीं हो क्या तुम? क्या मुझे कुछ बात करना है, so please. क्या हुआ? Oh, क्या? I was waiting for you half an hour. हाँ, चैन की नींद खराब करने की आ गई। ए, संभल जा यार। हाँ, दिख रहा है, चल बे। क्या हुआ? मैडम, डिनर? नहीं चाहिए। टेक रेस्ट। ओके मैडम। वो क्यों यहाँ पे बैठी हुई थी? ऐसे बैठ के बात कर रही थी। जो कोई दिख जाए बातें करो। ए, उससे पूछना सब कुछ रेडी हो गया कि नहीं। उसी को तो फोन कर रहा हूँ। यार, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तुम लोगों का क्या हाल है? जीना आराम कर दिया, पहले ही पता था तो बस में चला देते। स्टेशन ऑफिस जाना यार। आगे मंदिर, उसके बाद 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे का ड्राइव है? 2 घंटे जल्दी आ जाना यार। उससे पूछना होटल का नाम क्या है भाई? रसबला। क्या कहा? रसगुल्ला? अरे नहीं यार, ठीक है, कोई डाउट हो तो फोन कर देना। वो सही बोल रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा है? वो रसबला ना, बेंगलुरु में सबसे बड़ा होटल, वो मेन रोड में ही है, वही है ना? ले, तू ही बात कर ले। क्या रे, उसने कट कर दिया। तूने हमें बात करने कहाँ दिया? इधर दे, मैं बातें करती हूँ। तेरे को इतनी क्या जल्दी है? हाँ बे, मैं ही जल्दी कर रहा हूँ। तुम लोगों के हनीमून के लिए मैं जल्दी जल्दी शादी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों करूँ? मैं 4 साल एंजॉय कर लेता ना। संतोष, अरेंजमेंट्स पूरा ठीक किया ना? बहुत मस्त किया हुआ है। कंफर्म्ड? कंफर्म। यस। हाँ बोल यार। भाई, बैंगलोर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। क्या बॉम्ब ब्लास्ट? कोर्ट के आगे, पापा की गाड़ी के पास। कोर्ट के आगे? पापा को कुछ हुआ नहीं ना? नहीं कुछ नहीं, छोटा मार लगा है। अच्छा हुआ, थोड़ी देर से गए कार के पास। यार बम ब्लास्ट कहाँ बे? अरे बैंगलोर में यार। हाँ, पापा तो ठीक है ना? यार पापा को जरा संभाल लेना प्लीज। ठीक है भाई, घबरा मत, छोड़। भाई तेरी शादी? यार हमारी मुसीबत हम देख लेंगे यार, तू पापा का ख्याल रख। ए, क्या बोल रहा है? एक सेकंड रुक, दया से बात कर। ये ले। हेलो भाई, अनएक्सपेक्टेड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे, कल के लिए कैसे अरेंजमेंट करूँ मैं? अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन, वो सब अभी जरूरी नहीं है। पापा कैसे हैं? वो सब मैं देख लूंगा। कोई है साथ में? हाँ है ना रे। ओके, हमारे आने तक पापा का देखभाल कर लेना। ओके चल। ओके ओके, टेक केयर। बैंगलोर पहुंचते हम लोग पहले तेरे को आके मिलेंगे। ओके ओके, बाय बाय। अब क्या करें यार? सुन, बैंगलोर पहुंचते ही वहां जाके देखते हैं कि वहां क्या हुआ। इतनी गड़बड़ हो रखी है, वहां जाना जरूरी है क्या? तो फिर प्रॉब्लम को वैसे ही छोड़ दें क्या? ए, जूली का सोच जरा, कितने आराम से सो रही है ये सोच के कि कल शादी है। वो मुझे नहीं पता क्या, अभी मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है यार, लेकिन तू गुस्सा मत होना। चल बोल बे। कामिनी मैडम है ना, उनके पास जाते हैं। अबे उससे मिलके तो अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, इतनी जल्दी उससे हेल्प मांगे? हमारे साथ जो घटी वो सुनकर वो जरूर मदद करेगी। ट्राई तो करके देखते, नहीं तो हम छोड़ देंगे। चल ऐसे बोल बोल के बिगाड़ता है, चल आ जा। Excuse me, ma'am. Yes. पूछ रहे। एक छोटी से मदद। बैठिए। Thanks. बोलिए। हम बैंगलोर एक शादी के लिए जा रहे थे, अब मुसीबत ये है कि मेरे दोस्त के पापा को। क्या प्रॉब्लम है? ओए, ठीक से बोलना। दया और जूली की शादी हमने रजिस्टर्ड ऑफिस में फिक्स किया था, वहाँ पे कर्फ्यू अनाउंस किया गया है, इसलिए आपकी मदद चाहिए। अब मुझे क्या करना है? आप ही की मदद से दया और जूली की शादी हो सकती है। कब? कल। क्या जल्दी है? वो नहीं मैम,
अगर हम दोनों की शादी होगी तभी हम चारों मिलके हनीमून पे जा सकते हैं, वो है बात। उसके अलावा जूली के घर से प्रेशर है। क्या प्रॉब्लम है? बी कूल। व्हाई डैडी? पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, नौकरी ढूंढो, बाहर चले जाओ, नई जिंदगी शुरू करो, खुश रहो, 4-5 साल वही रह जाओ, उसके बाद वापस आ जाना। क्यों डैडी? उसी में सबकी भलाई है। ये है प्रॉब्लम मैडम। ग्रेट। उसका बाप फिर भी ठीक है, मेरा बाप तो प्यार का नाम सुनते गन लेके डराते रहते हैं। अरे बाबा देख कैसे बैठा है। क्या है रे, दोबारा आया है क्या? क्यों रे पापा, दोबारा प्यार व्यार कुछ बोला तो इसी से शूट कर दूंगा मैं। तो कितना भी ढूंढ ले इससे कोई अच्छा लड़की नहीं मिलने नहीं वाला, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। आपकी हंसी बहुत अच्छी है। वेरी फनी। अब मुझे क्या करना है? मैडम पूरी रामायण सुन के पूछ रहे हो राम कौन है? कल ही शादी होनी चाहिए, आप जरा सपोर्ट करेंगी तो अच्छा रहेगा। बट नॉट इन बैंगलोर। फिर कहाँ मैडम? कूर्ग। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या मैडम पहुंच गए क्या? आइए जाइए। चल बे आओ बेटी, यात्रा कैसी थी? अरे मैडम ये कूर्ग है क्या? मैडम आप भी कूर्ग बोले तो बड़े बड़े पहाड़ वहाड़ होते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। ये कौन सा बड़ा पहाड़ और कितना देर है जी? थोड़ी सी देर हो रही है, थोड़ी जल्दी में हूँ, जल्दी पहुंच गए। हु आर यू, यू वांट एनीथिंग? Madama. Hello, Miss Madama. How do you do? I am Daya from Bangalore. सबको पता है नाम। कामिनी माँ। हाँ। गाड़ी निकाल। हमारी भाषा। चले चले। कामिनी माँ। मुझसे विश्वास नहीं होता। मुझसे भी। एक क्षण के लिए मैं हिल गई थी। मुझे तो ठीक है। हमारी पुजारी को बुलाओ। किस लिए? जो मैं बोला करो। इतने साल के बाद दोबारा। क्या मस्त जगह है यार भाई, कूर्ग जैसा कोई जगह ही नहीं है। आंटी भी सही है। मार खाओगे? जाते ही शादी है ना। ओए शादी की मार गोली बस नहीं।
तुम ज्यादा मत सोचो, जो लोग आए हैं उसे देखो, अपना काम करो। ठीक है माँ। वाव, क्या बनाया है ना? साले, मस्त है रे। माइंड ब्लोइंग। बहुत मस्त है यार, टीवी सुपर है। कोई आ रहा है यार? हाँ, वो आ गई है, देखो। तो छोड़ देगा। क्यों वहीं रुक रहे हैं, आइए ना। ये तो थे। अच्छा, अरे ये देखना। जरूर एक मसाज मिल गया तो अच्छा रहेगा। क्यों तुम कर ले? करो ये देखो। अरे मैडम, घर तो बहुत बड़ा और सुपर है, बहुत ज्यादा रूम्स होंगे ना इसमें। हाँ, बुरा मत मानिए, यहाँ पे दो रूम मिल जाएगा अलग अलग। क्यों? कॉफी पियेंगे? नहीं, आप पीजिए। वो कुछ नहीं, अगर हम एक साथ रहे तो बहुत कंजस्टेड रहेगा ना, इसलिए नहाने का और वॉशरूम जाने का पंगा हो जाएगा ना। चुप रहे यार। मैडम रूम रेडी कर दो। बहुत अच्छा है, जल्दी पियो। एक्सक्यूज मी मैडम, अब क्या है? वो कुछ नहीं मैडम, वो साड़ी में ना बहुत सुंदर लग रही। अरे बुरा मत मानिए मैडम, इसमें भी आप सुंदर ही लग रही हैं। बट इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मैडम, मम्मी साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। मैडम आप जाइए, अभी एक छोटी सी मैटर है, वो बात करके मैं आ जाता हूँ। अगला ये दो लोग। अभी बहस क्या बोला? मैंने कहा मैडम आप भी साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ आते ही मैंने फैसला कर लिया है। क्या भाई, हाथ निकाल रहे? हाँ? क्या टाइमिंग है क्या? हाँ? शादी नहीं चाहिए। जूली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो तेरे लिए तो अच्छा नहीं। क्यों? है मेरी शादी नहीं होगी तो तुझे फर्स्ट नाइट ही नहीं है। जा रे, क्या बात कर रहा है यार। वाव, क्या लग रहा है। hey, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे लिए तो देख रहा हूँ। वंडरफुल वंडरफुल आंटी, चल हट। क्यों गुस्सा हो रहे हो? पहले तो नौकरी ढूंढनी है। हाँ, पहले काम, फिर एक फ्लैट और एक स्ट्रॉन्ग बिस्तर। हमेशा यही सोचते हो क्या? और पगली, हमारे लिए नहीं, रोशन और आशा के लिए कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए ना। तो हमारे लिए? हमारे लिए तो यही पे अभी नाइट, फर्स्ट नाइट तो उनके लिए डे और नाइट, हमारे लिए फर्स्ट नाइट डे आफ्टरनून इवनिंग कुछ भी नहीं है। चल हट। कपड़े कहाँ रख दिए तूने? यहाँ भी शुरू कर दिया क्या? अच्छी तो लग रही हो। Don't disturb me. इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। तुम क्या पहले बार देख रहे हो? हर बार देखता हूँ तो ऐसा लगता है पहली बार देख रहा हूँ। प्रॉमिस किया है? अरे वो तो गलती से कर दिया, इसको क्या सीरियसली ले रही हो? तभी तो शादी कर रहा हूँ। जो बोला है जबान है, बदल नहीं सकते। आशा, नहा कर आती हूँ। ऐसा मत जाना यार। बाय डार्लिंग, बाय। मुझे छोड़ के मत जा। इसके अंदर क्या कर रहे थे? देख रहा था कि अंदर पहचान वाले कोई है कि नहीं। जा, हे चुप करना, आजा अंदर। अंदर आके? अंदर गरम करके कुछ रखा है। अच्छा? अंदर आजा, तुझे पता लग जाएगी। और क्या? पहले तू नहा ले, फिर मैं नहा लेता हूँ, फिर मैं नहा के तू नहा लेगी, फिर अंदर जाके नहा लेना। हेलो मैडम, तौलिया मेरे हाथ में है। पहले से एक तौलिया अंदर है। मैडम अंदर तौलिया तो है, लॉक है कि नहीं देख लेना। कामिनी अम्मा, वो लोग
दो दिन के बाद चले जाते हैं। कॉफी पी लो। पियो ना। आने वाले को देखो। इस पहाड़ी में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है ना। कहाँ है रे तुम्हारा दोस्त? उसे तो देखा ही नहीं। कहीं तो घूम रहा होगा, जाके देखो। घूम रहा होगा क्या? लो आगे देखो। ओए आशा कहाँ है? भूख लग रही है यार। नहा रही है क्या? अभी नहा रही है? मुझे नीला दिया तुम्हारी दोस्त ने। अरे वाह वाह भाई, क्या हो गया क्या? ए क्या बकवास कर रहे हो? क्या है रे तू, पागल है क्या? मैं तो उससे बोल रहा था ना। हे आशा चल उठ, चलते हैं। भुक्कर साले सब खत्म कर देंगे, जल्दी आ जा। हाँ, हाँ, चल। अरे उसने तो वही साड़ी पहनी आज। अरे मैडम, हमें छोड़ के आप अकेले शुरू कर लिया? अरे सॉरी यार। कामिनी को सब कुछ टाइम टाइम पे होना चाहिए। क्या मैडम, आपका बाप मिलिट्री में था क्या? नहीं नहीं। अरे ये क्या है, चपाती? कूर में और कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा? चपाती खाओगे तो तबीयत के लिए अच्छा है, दम के खाओ। रहने देना, चुपचाप खा ले। जा बे तू। मैडम आपसे एक चीज पूछना है। मैडम वो पढ़ेप्पा वाला मूवी देखा आपने? क्या मैडम, उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है, उनका नाम नीलांबरी है, आपका नाम कामिनी, उतना ही है डिफरेंस। मिस कर दिया आपने। ये इतनी अच्छी है और तू उनके साथ कंपेयर कर रहा है, चुपचाप खाना। तेरा काम कर बे तू। बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच में बोल रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ठंडा हो रहा है, खाओ। अरे जाइए जी आप भी। मैडम मुझे एक डाउट है, इतने बड़े मिनिस्टर की बहन है आप, कितनी बड़ी बंगला, कितना पैसा, उससे ऊपर एक सोने की मूर्ति लग रही है। इतने बड़े कुर्ग में क्या एक भी लड़के ने आपसे प्यार नहीं किया? नो। अरे झूठ बोल रही है। क्या मेरे जैसे भी कोई आपसे प्यार नहीं किया? क्यों खाते समय बकवास किए जा रहे हो? क्या क्या है ये, क्या क्या कर रहे हो? खाओ। इतना ये ले, पूछ रहे थे ना, चल तू भी खा ले। मेरा तो पेट भर गया, बात भी नहीं करने दे रहे लोग। आपसे मिलने के लिए पुजारी आया है। जाइए। साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। चाय पानी लेंगे? नहीं नहीं चाहिए। आइए तूने पूछा जी। क्या क्या टाइम पे रजिस्ट्रेशन? नमस्कार मैडम। नमस्कार, बैठिए ना। हाँ ओके। आपने बुलाया था हमें? ये मेरे जान पहचान के हैं, शादी करने आए हैं, एक अच्छे मुहूर्त को निकालिए ना। अम्मा आपने बुलाया तो मैं जल्दी में आ गया, पंचागन लेके नहीं आया। कोई बात नहीं, उनका राशिफल तो देखकर बताइए। ठीक है मैडम, तुम्हारा नाम क्या है? दया बालन। जूली फर्नांडिस। दया नक्षत्र राशि क्या है? ये कुंभ राशि का है। वो क्रिस्टीन है, उसे वो सब नहीं मालूम। हाँ हमें तो वो सब नहीं है ना। भगवान आज तो वक्त अच्छा नहीं है माँ, कल तो इससे भी खराब है। ऐसे है क्या? अगला रविवार अच्छा दिन है, उस दिन उन्होंने शादी की तो उनकी जिंदगी अच्छी बनेगी। अच्छी तरह से देखा ना आपने? अच्छी तरह से देखा। और एक मुख्य बात,
शादी होने तक ये दोनों अलग अलग रहेंगे। उसके बीच में कुछ गड़बड़ हुई तो उनके बीच में सुनामी आ जाएगा। जो बोलना था बोल दिया, जरा देख के रहिए। एक हफ्ता ही तो है ना, सब कुछ अच्छा होगा। आइए पंडित जी। ठीक है मैडम। नो नो नो, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों शादी को हटाते जा रहे हो? पहले बैंगलोर बोला था, उसके बाद मैसूर उतारा, अब यहाँ लेके आ गए। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर, सीरियसली। ओए, तुम दोनों ने तो बात कर लिया। पागल हो तुम? देखो उन्हें। उनका क्या, ठीक ही तो है। छी, समझ में ही नहीं आता। नॉनसेंस, हमारे वजह से वो ऐसे हैं। ओए, वो उनका प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? Only when we get married, they can have a baby, no? उसने जो कहा वो भी तो सही है ना यार। क्यों? तुझे बहुत जल्दी है क्या? ऐसी बात नहीं है यार। आइडिया दे दे के बुझा मत तू। देख जूली, जब तक एक चीज पता नहीं है वो ठीक है, जब पता लग गया तो उसको मानना ही पड़ेगा। हे, तुमसे बात करके मैं जीत नहीं सकती। पता छोड़ नहीं दो। कब सुधरने वाली है? सुनना, अभी एक ही तो हफ्ता है, उसके बाद जैसे उन्होंने बोला सब अच्छे के लिए है। Sir, you sleep well and let me sleep well alone. I'm going, bye. Hey, Julie. Oh no. क्या मैंने उसको कंफ्यूज कर दी? अकेली भी सोने वाली है? ओ जूली! Yeah. जूली, जो ऐसे तूने बोला वैसे ही सुनने का था मुझे। क्या कर दिया अभी जूली? उस ज्योतिष सुब्रमण्यम की बात सुन के अभी मैं तो अकेले ही छोड़ दिया उसने। जूली, मैं तो अकेला पड़ गया। शादी होने तक ये दोनों अलग अलग रहेंगे। मार डालूंगी उसे। कहाँ गया वो? मिलेगा क्या इस ठंड में? मिल गया। कमीना रोहन, क्या क्या गाने डाउनलोड करके रखा उसने। कमल सर, मेरी हालत देखो, ये मैं कौन से सिचुएशन में हूँ, आप क्या गाना गा रहे हैं। ओके, अगर आपका गाना सुन के भी मुझे हिम्मत नहीं आई तो मैं आपका फैन ही नहीं हूं। जूली! अच्छा हुआ कोई नहीं है। हाँ? ओ तेरी, यहां पे तो बहुत रूम्स था ना, पर इसमें जूली कौन से में है? चलो खुद ही ढूंढ लेते हैं। मिल गया। छोड़ो मुझे। अरे छोड़िए ना, इस रूम से क्या आवाज आ रहा है? चल। हे, तुम्हें क्या हो गया? कुछ तो हुआ है। नहीं। हाँ क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। कमीने लोग, मैं तो यार रूम रूम ढूंढ रहा हूँ, वादा करके साला वो उसके साथ ही झोल कर रहा है। कल देख लूंगा तुम दोनों को, और कोई आवाज आने दो तब देखते हैं। हाँ, ये हॉल है तो ये डाइनिंग हॉल है, तो जूली यहाँ के आसपास कोई रूम में ही होना चाहिए, देखते हैं। हमारे जैसे ही बहुत लोग घूम रहे शायद। हाँ, अरे वाह। ये क्या है, इतने ठंड में भी तू बिना ओढ़ के सो रही है?
अरे भूत, अरे मैंने सोचा जूली का रूम है। अरे अरे नहीं नहीं, गलती से आ गया, सॉरी सॉरी, मैंने गलत मत समझना मुझे, प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना कामिनी। ओह बच गया मैं अब। अरे नहीं, जो काम करने आया था कर लिया। वो ऐसा नहीं था, मुझे नींद नहीं आ रहा था ना, तो मैंने सोचा ऐसे वॉकिंग कर लो। वॉकिंग? हाँ, वॉकिंग इस रूम के अंदर। अरे सवाल करना बहुत इजी है यार, पर उसके लिए जवाब देना तुझे नहीं पता बहुत मुश्किल है। मैं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, कोई गलत काम कर दिया तो मुश्किल में पड़ जाओगे, जूली को पता चलेगा तो तुम्हारे पीस पीस कर देगी। ऐसा है क्या? बाहर किसी को मत बोलना। हाय मैडम, गुड मॉर्निंग। बोलो भाई। अच्छा कामनी मैडम सुबह कॉफी पी क्या? कामनी अम्मा सुबह उठ के कॉफी पीती, जो भी काम उन्होंने करने चाहिए था उन्होंने वो भी किया। अभी तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए, बस एक छोटा सा डाउट है। मुझे बहुत सारा काम है, उसके बीच में तुम्हारा भी, निकल यहाँ से। अच्छा हुआ कामनी ने किसी को बोला ही नहीं, बच गए। मैडम क्या हुआ? इधर आओ ना। नेल पॉलिश वेयर वी हैव टू गेट? नीचे दुकान में मिलेगा। मेंस अंडरवेयर वेयर वी हैव टू गेट? किसके लिए? पागल हो गई क्या? कैसी कैसी बातें कर रही हो? नहीं है ना मैडम। आ रही हूँ। कम 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 चाहिए? वेयर इज द मेडिकल शॉप? सर में दर्द है क्या? नहीं। बुखार है क्या? और नहीं तो क्या? यस इधर आओ। आय हाय हाय, नाप की नहीं तो है। ओ आवाज धीमी करो ना। ड्राइवर को भेजती हूँ, जिस जिस को जो खरीदने खरीद लो। मुझे भी कुछ चाहिए, मैं भी पीछे आ जाती हूँ। बेकार में क्यों हंस रहा है यार? अरे मेरे लिए तो माड़ा। सोच के बहुत सुपर लग रहा है। बेइज्जती मत कर यार। ओए उस दिन बड़े टाइमिंग में बोल रहे थे, सबका टाइम चेंज होता है भाई, कहीं निकल मत जाना बाहर, चार घूम रहे बाहर। पागल हो गया क्या? दया इसे माफी बोलने बोलो। क्यों? इसने माड़ा को इंसल्ट किया है। क्या हुआ? क्या है प्रॉब्लम? क्या मतलब क्या है प्रॉब्लम, सारे एक जैसी तो है। ऐसे मत बोलो तू। क्या ऐसे मत बोलो, दोनों में फर्क क्या है? आप घर के अंदर है, वो घर के बाहर है, बस इतना ही। वो अनजाने में कुछ किया। क्या तो? अनजाने में किया? चलो यहाँ से। उठ जा रहे। मैडम माँ। बोलो भाई। अभी पता लगा, हमें माफ कर दीजिए। वो सब मैं कब की भूल गई। बोल बे। उसने क्या किया पता है तुझे? छोड़ रहे, कुछ तो अनजाने में किया उन्होंने। बकवास कर रही है। क्या बोल रहा रे, मेरे बारे में क्या बोला तूने? छोड़ दो। और तो मर्द के बीच में भगवान ने हमें पैदा किया। एक और बात पता है, औरत है या मर्द हो, सात जन्म में हमारे तरह एक जन्म लेना जरूरी है। ऐसे जन्म में हम जैसे लोगों को लोग कैसे देखते हैं, जैसे बात करते हैं, वैसे ही ये जन्म अगर आप ले लो तो लोग ऐसे ही बात करेंगे, लोग ऐसे ही देखेंगे। ये पागल है मैडम, उसको माफ कर दो। कीड़े मकोड़े जानवर और इंसान को ऐसे एक एक जन्म को एक एक अर्थ होता है। ऐसे जन्मों को भी बिना मकसद का होगा। सॉरी मुझे माफ कर दो। इन जन्मों को मैंने कभी नफरत नहीं किया, खुशी हूँ मैं। हम जैसों को लोग पूजा करके हमारी आशीर्वाद लेते हैं, उन लोगों को शाम को भीख मांगने के लिए बिठा देते हैं। हम भी ऐसी कुछ हैं, भिखारियों को भी लोग आदर करते हैं,
पता नहीं ऐसा दिन हमारे लिए कब आएगा। मेरी इज्जत तो कामनी की माँ ने किया है, बिचारी कैंसर की वजह से चल बसी। कब से कामनी मेरी गोदी में ही खेल कूद के बड़ी हुई है। आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते? कौन पढ़ने देगा? पढ़ने के लिए पैसे चाहिए ना, कहाँ है? पढ़ने के लिए तो एजुकेशन लोन है ना, वही तो नहीं दे रहे हमें। वो दे दे तो हमें क्या, एक चार तोड़ दे तो दूसरा उग जाएगा। हम जैसे लोगों को तो वारिस भी नहीं है। कामनी जो पैसे दे रही है उससे चार लोगों को पढ़ाती हूँ मैं। इज इट? स्कूल में पढ़ने के लिए हमें जरा सा जगह दे दो तो अच्छी बात है। वैसे ही बैंक में किसी कोने में एक छोटी सी जगह दे दो तो हम जैसी लोग पढ़कर कुछ अच्छा कर ले। हमारे एक संसार के लिए कितने लोगों ने कितना झगड़ा किया, शहर को अच्छा करने के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं। मुझ जैसे लोगों के लिए कुछ किए बिना तोड़ी जा सकते हैं। जरूर एक दिन ये बदल के रहेगा। उस दिन की राजाओं से लेके आज के लोगों तक लोगों ने हमारे साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है। मेरी मरने से पहले मुझ जैसे लोग इज्जत के साथ रहे ये मेरी आशा है। माँ होगा क्या, हमारी रक्षा सिर्फ आप ही करेंगे, रक्षा करेंगे ऐसे हमें लगता है। दया को आने देना खेलने के लिए। वो कहीं बाहर गया होगा। सच बोला यार, वो कहीं बाहर घूम रहा होगा। मेरा एक लड़का होगा। हाय बेबी। मेरे जैसे ही होगा। ओह, थैंक यू सो मच दया। बच्चा कहाँ से चुरा के लेकर आया? तेरे बाप के घर से। हाँ, हमें नहीं पता क्या? आशा को बच्चे बहुत पसंद है। कितना क्यूट है ना ये। आशा, तू क्यों टेंशन ले रही है? तेरे लिए तो ऐसे ट्विंस होंगे। तो हमें उनके लिए ट्विंस है, हमारे लिए तो हर एक साल एक एक होता ही रहे। अरे बच्चा रो रहा है। ये बच्चा तो रो रहा है, अभी क्या करें? ये क्या बच्चे का आवाज? रोहन इसे जरा पकड़। मुझे मत दो। दया ये ले। अरे क्या, मेरे हाथ में क्यों दिया? मैं क्या अभी क्या? नो नो, मुझसे नहीं होगा। अरे अभी मैं क्या करूं यार, तू ही लेकर आया ना, तू ही संभाल। बच्चे को क्यों उठा के लाया? हमेशा ऐसा तुम ही को संभालना होगा। हां बच्चे हैं अब इस मुसीबत को उसी को संभालना होगा। अभी मैं क्या करूं पता ही नहीं। क्या कर रहे हैं ये लोग? ना 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 ना। नमस्ते मैडम, गहरा लेके आया हूँ। आप क्यों यहाँ आए हैं? जल्दी आने बोला था। ठीक है, यहाँ रख दो। ओके मैडम। जाओ। वो क्या है? Something special. आप ही special हो। ये कोई डोसा है? मैसूर मसाल डोसा। हम इन क्या रह रहे हैं? चल चलते हैं। एक तू उसको पटा, नहीं तो मुझे पटाने दे। अरे ऐसे क्या कर दिया कि तेरे पैर टूट गए? नहीं रे, वो बाथरूम में नहा रहे थे तो प्यार से बुलाया, मैं भी प्यार से भाग के गया था। अभी देख ऐसे गिरी पड़ी है, आधे अधूरे ड्रेस में तो अच्छे से घूम रही थी, अभी देख पैर तोड़ के बिस्तर पे पड़ी है। देख ना नसीब मेरा। स्लो यार। अभी डॉक्टर मैडम आ गई। बाथरूम में गिर गई थी,
अरे बाबा क्या जूली, अब शॉपिंग कैसे जाएंगे? आंटी है ना, तुम उनके साथ जाओ प्लीज। हाँ हाँ आप सब जाओ, परचेस करके आओ, मेरे डार्लिंग को मैं ही देख लेता हूँ। ओ भाई तू रहेगा तो मुसीबत है, चल चुपचाप। कोई मत देखो, मैं देख लूंगी। तुम लोग सब जाके जो खरीदना है खरीद के आओ, मेरी प्यार मैं ही तुम्हें देखता हूँ। हाँ, तो फिर तू ही देख ले। इधर दर्द हो रहे हैं क्या? इधर जी हाँ ठीक है। क्या मैडम यहाँ लेके आ गए? आपने बोला साड़ी के दुकान पे जा रहे हैं। अंदर आकर देखो। ओए और कोई पंगा तो नहीं पता है? नहीं अंदर जाके देखते हैं। अंदर आओगे तो ठीक रहना मेरे जैसे। आएंगे क्या? हाँ हाँ चलते चलिए। कोर्ट तो हम देख ही नहीं पाए यार। क्या जगह है, जब देखो बारिश होती रहती है। हाय जूली तू क्या ऐसी बैठी है? फाइन खरीद लिया। पैर टूट गया है अभी, तुझे गेम्स चाहिए? पागल है तू? अब कैसा है? अब ठीक हूँ। आ जाइए जूली। अब कैसी है? अब ठीक है। हो पीने के लिए कुछ ला। ठीक है तेरे लिए एक अच्छी साड़ी ले है। हाँ, दिखा, 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 दिखा। ये देख मेरा ही सिलेक्शन। नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, कामिनी आंटी ने सेलेक्ट किया है। ओ कामिनी आंटी, आंटी सिलेक्शन इज सुपर या। क्या बना रखा है? इतने बरसों से इसके लिए मन में आशा रखा है। अच्छा है क्या? ये एकदम सही लग रहा है। आओ मैडम। माँ माँ कितनी साल हो गए तुम्हें इसे देखे। ये क्या है? ये आप ही के गोद में ही है ना, खुशियां और दुख मैंने सब कुछ बांटा। ये सब बताना है क्या? अब मैं एक बात कहूँ? बोलो ना। मैं शादी करने वाली हूँ। सोचती है वो कौन है? दया तुमने ये सोचा नहीं है ना? तो फिर जूली जाने दो, सब लोगों को जाने दो। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। क्या यार इतने लोग काम बड़े जबरदस्ती से कर रहे हैं, हमारी शादी यही होने वाली है? ये भी ले लो। हे अरे नहीं नहीं ये क्या ले जा रहे? ले लो ना। जा बे खुशी में खेल ले जा। हो क्या रहा है यार? अरे अरे हमा मड़मा एक मिनट यहाँ आइए ना। हाँ तुम लोग अब तक गए नहीं है क्या? यहाँ से कहाँ निकलना है? ए तुमने बोला नहीं है क्या? क्या है रे? कामिनी अम्मा ने घर काली करने बोला है। ए, बेकार में क्यों हंस रहे तू? मैं तभी बोला था तुझे ये घर भाड़े पे है, तू नहीं। अरे खुद का घर है, दूसरा घर खरीदा है, यहाँ सब कुछ सामान उठा के उधर चलो, जल्दी चलो। क्या है यार इन सब के बीच में पड़ना है क्या? ओए, ये देख ले ये वो घर क्या मस्त बना है यार, ये सब जनता का पैसा। हाय मैडम सब रेडी है? तुम लोग का ही इंतजार था। वो क्यों? चलो हम अपना खेल शुरू करते। अब क्या है? उन दोनों को उस तरफ,
तुम दोनों को इस तरफ। बर्बाद कर दिया यार, ये कौन सी ज्योतिष ने बोला? चुप रहो ना तुम, चलो जा बे, तेरी वो बुला रही है तुझे। चलिए मैडम। हमारी वाली कहाँ है? कहीं होगी यार, बड़े अच्छे से बनाए है, बहुत पैसा खर्च किया होगा। भाई भाई भाई। क्या मैडम? कहाँ? ऊपर। नहीं। क्यों, ऊपर सांप है क्या? कामिनी अम्मा है। ओ, इससे तो सांप ही बेहतर है। या कुछ और ही है? हाँ मैडम। अरे रे 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 रे, कैसी लग रही हैं आप, संगमरमर के जैसे चमक रही हैं आप। Is it? हाँ जी। अरे आप इतनी खूबसूरती को कैसे छुपा के रखे थे? Don't make me embarrassing here. Embroidery माने? मैडम सच बोल रहा हूँ मैं, कोहिनूर डायमंड देखा आपने, एकदम आंख में चमकता है, वैसे लग रही हैं आप। Don't joke. मैडम सीरियसली बोल रहा हूँ मैडम। कम अभी आ गया मैडम। अरे यार, अरे इस कबाब में हड्डी को क्या करूँ मैं अभी। अभी आप बाहर तो नहीं जा रही हैं? नहीं तो। कुछ बात करने था ना आपको। मैं? अरे अरे बात करते बैठिए ना। अरे उठ के बाहर जाबे सुगर। हे ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है इन पे। 34 26 34। वाओ ये सब कैसे पता है? पहले टेलर की दुकान में काम करता था। हाँ जी, जब मैं टेलर की दुकान में काम कर रहा था ये बटन लगा रहा था। हे दिस ड्रेस सूट्स मी वेल राइट? एकदम झकास लग रहा है। कितनी फिरकी ले रही है ये। जूली नहीं है इसका मतलब मौके का फायदा उठाएगा ये। या जूली। हेलो, क्या यहाँ तो सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, लाइन ही नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, पापा मम्मी से बात करके आराम से आओ। हाँ, और तो आप बताइए। What? Whatever it is. भाई तू ऐसा लार टपकाएगा तो यहाँ पे डैम लगवाना पड़ जाएगा। अकेले जाके तू ही बना ले। मैडम एक छोटी सी बात है, मैं जरा बात करके आते हूँ। कुछ नहीं मैडम, ये तो ऐसे ही मेरे को खींच के जा रहा है मैडम। अरे सच में बोल रहा हूँ मैडम। मैडम इस ड्रेस को आप प्लीज चेंज मत कीजिए। ओके मैडम, बाय बाय। लो आ गया साला कुत्ता, तुझे वो क्या भी हुआ? नहीं खाएगा, तू क्यों खाने भी नहीं बैठा है? सब कुछ करके पूछ भी रहा है साला। बोलना, कुछ मिस हो गया क्या? सोच रहा हूँ पर ओके हो जाएगा। चलाते समय जरा देख। चुप कर वो आ रही है। क्या हुआ तुम्हें, मुंह लटका के रखे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं अभी तो सिर्फ फील कर रहा है। कुछ देर पहले घर के अंदर पता नहीं क्या हो रहा था। मैं बोल रहा हूँ ना, तो अपने लाइफ से मत खेल। ए, पोल खोल दूंगा मैं तेरी। कामिनी को देख के लार टपका रहा था ये आदमी। लग रहा है गलत समझी की है मैंने। हंस मत, गंदी लग रही है तू, बहुत हंस मत, कहीं पकड़ लेगा उल्टा सीधा। कामिनी माँ, कहाँ जा रहे हो?
सोच रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। बहुत खुश लग रहे हैं आप तो। हाँ हाँ, आप बहुत बादल गया है। ऐसा है क्या? पता नहीं है, मुझ में कुछ अलग फीलिंग आया है। आप जो सोच रहे हैं चलेगा लग रहा है क्या? चलना ही होगा। गलत है। आई डोंट केयर। ट्रेन में मिलकर पूछा है कि मैं भी आपके साथ आऊं। मुझे ना कहने दी, मगर मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ। गाने के बाद भी उसका टम्बलर को उल्टा रख दिया। मैं तो शॉक हो गई थी जब उसने उसका हाथ मुझ पर लगा था। जब बच्चे को दूध पिलाकर देखा तब मैंने सोच लिया है। थोड़ा थोड़ा सा दया मुझ में घुस लिया। अब वो जल्दी जल्दी मेरे दिल में बस गया। अगर मैं दया को प्यार करूं तो गलत है माँ? मुझे नहीं पता। दया के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सॉरी माँ। जीत गया मैं। जीत अरे गया। क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। नीचे छोड़ो ना मुझे। अरे गेम ही शुरू नहीं हुआ, उसके पहले कैसी जीत? चुपचाप गेम खेलो ना। गेम थोड़ी है इम्पोर्टेंट, गेम खेलने वाली लड़की तो इम्पोर्टेंट है। तुझे देखते ही सडनली मूड हो गया मुझे। मारा क्या है ये लड़की? इसका ड्रेस भी समझ में नहीं आता, इसकी हरकतें भी समझ में नहीं आती, उसके अंदर नवरस भी है, देखना। अरे तुम चुप करो ना, वो बहुत गुस्से में है। अभी देख, मैं जाता हूँ तो कूल हो जाएगी। रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका। अरे अरे कैरम बोर्ड भाई, हट जाओ हट जाओ। आगे ऐसे कुछ नहीं होनी चाहिए, समझा है क्या? एक्सक्यूज मी कमली मैडम। अरे अरे आओ इधर आओ। व्हाई मॉर्निंग टेंशन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कार ड्राइवर अब तक नहीं आया, बैंक तक जाना है। ओहो क्या करना है? आप बाइक चलाते हैं क्या? गांव में तो ट्रिपल्स करता हूं मैं। शैल वी गो? ओके थैंक यू। अरे क्या? खाली उनके लिए जाओ। यस तुम्हें मालूम है क्या? अम्मा जी ने चाबी फेंकते हुए मैंने आंखों से देखा, और फिर ड्राइवर को लेट आने को उन्होंने खुद कहा है, मैंने सुना। आए राम, कितना चलाती यार ये मुझे बाइक, कितना देर मैं भी चलाऊं यार, उतरती ही नहीं बाइक से। अरे ये क्या, तुम लोग राउंड बना के खड़े हैं? दया व्हाट यू डूइंग इज नॉट राइट। ए भाई रुकना, तू बोल क्या हुआ? वो तुम्हारे साथ घूमते हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यू हैव टू स्टॉप दिस राइट नाउ। शक। जूली छी, चल हट। सॉरी दया। तू अपने फ्रेंड को जाके एडवाइस कर। ए भाई मेरी बात जरा। तू कुछ मत बोल, सीन गंदा हो जाएगा। Thank you.
दिल के अंदर तू आ आ आ आ आ आ आ ए गाना बंद कर अपना साला जलता है मेरे से। ओए कल क्या डांस कर रही थी यार, अगर मेन मूड में था ना पूरा उसका काम खत्म कर देता, मैं तो उसका पूरा ले ही लेता, कहाँ छोड़ा सा कमीना। बीच बीच में इंग्लिश बोल रही है, कुछ अजीब ढंग से कपड़े पहन रही है, पता नहीं क्यों ऐसा सब कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अभी भी तुझे समझ में नहीं आया? मेरे जैसे हैंडसम लड़का देखेगा तो कोई भी लड़की को मूड आएगा। आएंगी भाई आएंगी, कल तुझे नाचते हुए अगर जूली ने देख लिया होता ना तेरा काम खत्म हो जाता। मेरा तो छोड़, कल जब मैं देखा तू भी उसके पीछे ही घूम रहा था, अगर वो आशा देख लेती हाँ? तेरी भी पैंट फट जाती। क्या बात कर रहा है यार, देख लिया होगा। अगर क्या? वो देखती तो हम ऐसे खड़े रह के बात करते? सवाल ही नहीं। नहीं ना, तो फिर चल। ओके। जूली माँ यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? मन ठीक नहीं लग रहा है मैडम। माँ क्या हुआ भाई, जूली कुछ अलग लग रही है। क्या मैडम माँ, और दो दिन में जूली की शादी होने वाली है और जो कामिनी मैडम करी वो बिल्कुल सही नहीं कर रही। बैंगलोर के तो झगड़ा खत्म हो गया, निकलना चाहिए ना तुम्हें। वही सोच रहा हूँ मैडम माँ। सोचो मत तुम लोग, निकलने का रास्ता देखो। आइए मैडम। सॉरी आइए कामिनी। ये क्या गेम है? ऐसे एक टाइम पास। अरे आप बैठ जाइए, आइए। अरे बैठिए तो। मिस हो रहा यार, ये मिल क्यों नहीं रहा? क्या है वो गेम? आपको खेलना है? आता नहीं है मुझे। अरे कुछ नहीं, जब मैं बताता हूँ बटन प्रेस करो। अरे वहाँ नहीं, यहाँ पकड़ो, अच्छे से पकड़िए। हाँ वैसे ही, उस डंडे को बीच में पकड़िए। हाँ वैसे वैसे ही, सेंटर में, हाँ एज में, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ वैसे ही, बहुत अच्छे खेल रही हैं आप। अरे मैडम ठीक से खेलिए ना। हाँ इधर इधर इधर, इस तरफ आइए ना, इस तरफ। हाँ हाँ, अरे यहाँ बैठा है। हाँ हाँ, क्या बात है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, चल चलते हैं। गेम इंटरेस्टिंग है, आप जाइए। हाँ बोल दिया ना, चलो निकलो निकलो। चलो। हाँ यहाँ ऐसे, तू संभल के, 4:40 हो जाएगा फिर। हाँ, क्या मैडम बुलाया था आपने? आइए। ये क्या है जी, आपके घर पे बहुत गेस्ट आ रहे हैं क्या? ये सब आपके लिए। मेरे लिए? आपको नॉनवेज बहुत पसंद है ना, जूली ने बताया। बोल दिया क्या? चिकन, अंडे, मच्छी, मटन, बीफ, अरे पता ही नहीं क्या क्या है। सुपर्ब। कहाँ गई? अच्छा क्या मैडम यहाँ बैठी है? खाइए ना। मैडम इतना सब कुछ खाऊंगा तो मेरे पेट का क्या हालत होगा? शादी होने वाली है ना, थोड़ा तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। सेहत तो बढ़ जाएगा, पर सो गया तो? सोने नहीं दूंगी मैं। आपने बोला तो सही रहेगा, करेक्ट करेक्ट। इट्स ओके मैडम, इट्स ओके, थैंक्स। बिस्लेरी? कावेरी। मिलता ही नहीं ये चीज, अभी मिल गया तो पी लेंगे। थैंक्स। यहाँ पे टॉवल नहीं रखा इन लोगों ने। मैडम आपने नहीं खाया? खाना बड़ा मस्त था आज। बहुत ठंड है यार।
खाना भी खा लिया क्या? खा लिया, पता नहीं क्या क्या खाया, बहुत खाया। क्या क्या आइटम रखे कामिनी ने? कामिनी, अब से सब कुछ बदलेगा। बदल जाएगा? उल्लू के भट्टे, खाना ठंडा हो जाएगा, जाके खा ले। जाओ जाओ, तुम भी पता जाओ। नहीं क्या होने वाला। उसे देखते ही मुझे गुस्सा आ रहा है, कुछ भी बोलो मत उसे। क्या मैडम, खाना भी आप ही ने बनाया क्या? देख के ले ले जूली, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ, उसे दे दो। हाँ, अहम दम सोनी। अरे अरे, ये देखना मेरे भाई, एक्सरसाइज बड़े मस्त चल रही है। क्या तुम्हें क्या लग रहा है? इसको घुमाने से बेहतर वो आशा के पीछे घूम लेता, कुछ हो तो जाता। ए मुंह बंद रख अपना। वैसे तेरी हरकत देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? कामिनी के साथ तेरा घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ, तेरे माड़े के पीछे घूमने भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। ए क्या बोल रहा है? अच्छा तो तू बोले तो सही है, तो मैं बोला गलत है। क्यों भाई, तुम लोग जागड़ रहे हो? देखा अभी कामिनी आई क्या? देखा, हॉर्लिक्स दूं क्या मैं तुम्हें? नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, उसको ही दे, कुछ तो यूज होगा। तू चल ना रे। ये अलग से मुसीबत। क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारा? अभी क्या बोल रही है? कूल। क्या कूल? हमेशा साथ में बैठ के तो खाते हैं। ऐसे हो गया? वो लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, तुमने सोचा नहीं? अभी मैंने क्या कर दिया? तू जो कर रहा है वो सही नहीं है, तू उसके साथ घूम रहा है। कम ऑन जूली, दया के बारे में गलत मत बोलो। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही बिहेव करेगा? ए, चुप। क्या बोल रही है तू? कुछ बोला नहीं तो बोलती जाएगी। मान लिया कि मैंने गलती की है, क्या बोल रही है तू? वो मेरी बहन जैसी है। जूली क्यों परेशान हो रही हो? इसके बारे में मुझे पता है, ये तुम्हें मिलेगा तो तुम बहुत लकी हो। थोड़ा खेलता है, बट अदरवाइज ही इज ओके। सॉरी दया, रियली सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड यू। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शट अप। सॉरी बोल दिया तो सब भूल जाएंगे क्या? अब उसके लिए व्हाट शुड आई डू? कम टू द बाथरूम, वेरी अर्जेंट, विद टॉवल। पता नहीं क्या हुआ मुझे, क्यों मैं कर रही हूं ये सब। क्या हुआ जूली, सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही है। ए, क्या हुआ तुम्हें? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। तुम्हें यहाँ पे लेकर आए ताकि तुम लोगों की शादी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैंने कुछ प्लान किया है, लेकिन यस मैडम, एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। बोलिए। बैंगलोर से दोस्तों ने कॉल किया है। ओहो। बैंगलोर में सारी मुसीबतें ठीक हो गई हैं, तो हमने सोचा है कि हम निकल जाएं। कब जाने वाले हैं? अभी, राइट नाउ। ओह, ओके। मैडम एक और बात, आपने हमारे लिए बहुत परेशानी उठाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। एक मिनट। बोलिए मैडम। दया को यहाँ रहने दो, आप दो कराइए। मैडम, दया को यही रहने दो, तुम जाओ। तो दया? दया मुझे चाहिए। मुझे और दया को कल शादी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम ऐसे ही कुछ करोगी। ओ। दया को मैंने पहले ही भेज दिया, अब वापस नहीं आएगा। अरे बेवकूफ, बाइक निकाल के दिया है ना, पेट्रोल चेक किया है कि नहीं? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, देखोगे क्या? लैपटॉप ऑन कर, जल्दी तो करो ना। हमें जल्दी ही बैंगलोर जाना होगा। क्यों? उसने जानबूझ के गाड़ी की चाबी फेंक दी और बाइक में उसके साथ जाने का पूरा प्लान किया। कुछ गलत ही सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आशा, मुझे लग रहा है कि कुछ और हो रहा है यहाँ पर। मुझे नहीं लग रहा कि कल शादी होगी यहाँ पर। उनसे बोल के हम बैंगलोर चले जाते हैं, यहाँ नहीं रहना। और बहुत टेंशन हो रही है ना, कल तो और भी टेंशन हो जाओगी। अब तुम क्या बोलोगे? दया के पिताजी तो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, जूली के पिताजी भी, वो भी वीआईपी है, बहुत पावरफुल लोग हैं इन लोग। तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
अरे हटो ना पागल, देखते रहना, काम नहीं कौन है कि पता चलेगा। जूली कहाँ है? हमें तो पता भी नहीं, पर दया के साथ है ना, सेफ ही होगी। उनकी खुशी तो है हमारी भी खुशी। हाँ वही तो हमें चाहिए। लो मैडम आ गई। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? एकदम ठीक है। मैडम आपने हम लोगों को बुलाया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली 25 साल से एक चर्च ओपन करने का बहुत प्रॉब्लम था। अगर उस चर्च को ओपन करें तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। उसके लिए सर है ना? वो तो अनऑफिशियली आए हुए हैं यहाँ, किसी और काम के लिए, लॉन्ड ऑर्डर काम के लिए बुलाया है। उसके रिकॉर्ड्स कुरियर में भेजा था ना? हमें तो नहीं मिला। ओहो, ये एक मिनट, मैं लेके आती हूँ। प्लीज मैडम। सर कोई प्रॉब्लम होगा क्या? ऐसे कुछ नहीं होगा, अगर हो भी रहा तो कमिश्नर से बात कर लेंगे। क्या हुआ है मामू? पावर पावर तो बोल रहे थे ना, कामनी का पावर देखा है क्या? मुंह बंद करके जो मैंने बोला वो करो। आगे आगे तो देखो और क्या होने वाला है। तुमने जितने लोगों के बारे में बताया है ना, सब कामनी के हाथ में है। इस कामनी का पावर समझ में आया है क्या? तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं तो मेरी शादी में आकर खुशी खुशी से मनाओ। इडियट। रुक, जूली कहाँ है? क्यों बे रात को ऐसे चिल्ला रहा है? कुछ काट लेगा देख के। डोंट वरी, जूली फ्रेश फ्लावर्स लाने के लिए गई है, सुबह तक आ जाएगी। गुड नाइट। अभी समझ में आया ना, चल निकलते। चल आजा भाई। जूली किधर है तू? जल्दी निकलकर आउट ऑफ पर आओ। मैं आ रहा हूं। जूली, जूली कहां हो तुम? जूली, अरे अरे ये कौन? हेलो, क्या है भाई, ठीक है क्या? क्यों मजाक हो रहा है यहाँ पे? हे कैसे हो तू? क्यों? ओ क्या है कि मैंने गैस ऑन करके रखा है, तुझे कुछ स्मेल नहीं आया क्या? अच्छी तरह स्मेल कर ले। खेल मत। खेलने के लिए मैं तेरी साली हूँ क्या? यू इडियट। हे कुछ कोशिश मत करना, कुछ नहीं खोलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, और थोड़ी देर में करंट भी आ जाएगा, उसके बाद मजा आएगा। तुम बिल्कुल गलत कर रही हो कामिनी, तुम्हें क्या लगता है ऐसी हरकतों से दया तुम्हें मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? कल मेरे और दया को शादी है। बाय। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। अरे बाप रे, कितना ठंड लग रहा है यार। नहीं। अरे ओए, कहाँ है वो? गई थी ना, आई क्या? क्या हुआ यार, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं क्या? हे बोल ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? घर पे कुछ हुआ क्या? हे तेरे और आशा के बीच में कोई प्रॉब्लम? तेरी वजह से प्रॉब्लम है। ओए खेल मत, मजाक मत कर, मजाक मत कर, कह कह के इस हालत में पहुंच गए हैं। हे क्या बोल रहा है तू? सच कह रहा हूँ मैं, वहाँ जूली फंसी पड़ी है, यहाँ मेरी जान जाने वाली थी। कौन यार? वो कामिनी, तुम्हारे लिए कर रही है ये सब। मेरे लिए सब कुछ कर रही है? क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार, कल तेरी और जूली की शादी नहीं है, तेरी और कामिनी की शादी है। क्या बात कर रहा है तू? छोड़ यार। दया, she is very dangerous. रुक। क्या?
कहाँ जा रहे हैं? तेरी गोदी में रख के पाल पोस के बड़ा किया ना वो कामिनी, कहाँ है वो? वो ये मत बोलो। तो फिर उसको मैं चाहिए। उसके लिए जूली को छिपा के रखेगी, रोहन को मार देगी। क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने अपने आपको? कहाँ है वो कामिनी? ये से बात नहीं करोगे तुम यहाँ पे, जबान संभाल के बात करो। क्या कर लेगी तू? गलत बोल रहे हो तुम। मैं कि वो? ये सच्चे प्यार का मतलब पता है तुम लोगों को? तुम्हें क्या मालूम है? वो जान के ही मैं यहाँ आया हूँ। तू यहाँ पे आया है वही गलत है। एक्सक्यूज मी मैडम, थोड़ा उस तरफ जाइए। नो, दूसरों को ऐसे परेशान मत करो। ठीक है। अरे क्या मैडमा नहीं दिख रही है? मैडमा हाय। हे बटन ठीक से डालो। ओके। हे मैडमा। अरे ऐसा नहीं करते बेटा। कैसे है तुम? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। मेरा सोना। क्या मैं डॉक्टर कामनी हूँ? ओ अच्छा। मुझे सुई दो। नहीं मैडम, तू तो मेरी स्वीट मैडम है ना। बरहत। वो कौन है? मेरी आदमी है। रुको रुको मैं बुलाती हूँ। कम कम। नमस्ते। आइए। एकदम सही लग रहे हैं। मैं इसे ही शादी करने वाली हूँ। अब्बा मेरा एक काम कम हुआ। क्यों? लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, मैं जाके पूछूंगा तो कोई देगा भी तो नहीं है ना। What does she mean? She is telling that no one will give a boy even if she asks. ऐसे क्यों समझते हो आप? मेरे बारे में बहुत कुछ जाना है इन्होंने। बारिश आएगी, चलता है। चलो चलो चलो। बस करो मैडम, क्यों भैया नहीं आया? मैं उन्हें देख के एक हफ्ता हो रहा है। अब किस पोस्टिंग में है वो? कामिनी, इज योर ब्रदर अ पॉलिटिशियन? या वो क्या बोल रहे हैं, सुना ही नहीं दिया। पूछ रहे हैं भैया क्या काम कर रहे हैं। हे यू नो, मार्केट में वो अपने जिंदगी शुरू करके आज वो कूर के सबसे बड़े लीडर है। सुनो, वो पहाड़ के ऊपर फूल तोड़ने जाते थे भाई बहन, आधा पहाड़ तो दिखता भी नहीं था। यू नो आई ओनली यूज्ड टू विन एवरी टाइम। क्यों, ये बात भी नहीं करता है क्या? नहीं चाहिए। क्यों? अगर बात करे तो बस गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कैसा गड़बड़? अयो अगर वो बात करेंगे तो आप भी प्यार करने लगेंगे। अरे चलो हटो। हाँ मैं सच बोल रही हूँ, उनके आवाज सुन के ही मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। ऐसे कैसे? Thank you.
सिटी पोल्यूशन को छोड़ के इस हरियाली के बीच में हमारे आगे की जीवन जीने का तय कर लिया है। Why not? भैया ने देख देख के बनाया है, ये सिर्फ हमारे लिए है। So, we both of us live here. तो माड़ा? Hey! माड़ा तो बचपन से ही मेरी साथी है, भैया ने उसके लिए ही ये घर बनवाया है। एंड यू नो वन थिंग, मुझे बचपन से ही उन्होंने पाला है। सब हाँ, कुछ रेडी है। एवरीथिंग इज रेडी। खाने के लिए आओ। लेट्स गो। कम 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 ऑन। कम भरत। इट टेस्ट गुड नो। मैंने बोला था ना। मैडमा, भैया आया है। हाँ हाँ, आप लोग खा के आराम से आइए, मैं जाकर देखती हूँ। हे, व्हाट वाज दैट? इट्स अ मिलिट्री हैबिट, वंस वी फिनिश ऐसे कर देते हैं और उसके बाद वो हमें सर्व नहीं करते। ओह, इट्स नाइस मैन, अब से मैं भी ऐसे ही करूंगी। व्हाई नॉट टुडे? लगा दिया। बेटा कामिनी, माड़ा, कहाँ गए सब लोग? आजा 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 आजा। हे, भैया। अरे बाबा, कितनी बड़ी हो गई। रुक जा रुक जा। क्या भैया ये सब? सब तुम्हारी आने की खुशी। भैया, मैं अब सिर्फ कामिनी नहीं हूँ, डॉक्टर कामिनी MBBS। कामिनी। अच्छा एक मिनट, ये सुरेश, ये अनवर, ये कन्नन और ये जॉन, ये मेरी बहन है। इसकी इतनी बड़ी बहन है क्या? देखा, बताया तक नहीं हमें। इनको देख के आश्चर्य हुआ ना? भैया, आपके लिए मैं भी एक सरप्राइज रखी हूँ। वो सरप्राइज? एक मिनट भैया। तुम्हें कुछ मालूम है क्या? बुला के लाएगी। छोटी थी तब गई, अभी ये तो पता भी नहीं उसको। भैया। डॉक्टर भरत, माय क्लासमेट। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि हम दोनों शादी करें। तमाशा देखा? तुमने खाना खाया? खा लिया उन्होंने? खाना लगा दो, तुम लोग जाके खा लो, मैं बाद में बात करता हूँ। सुनिए, खा के रेस्ट लीजिए, बाद में बात करते हैं। कल्याण शैल निलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मशक्नी करुणामृत खागरा। शुक्रिया जी। आप? ये सब क्या है? हर दिन सुबह तुलसी का पूजा करके हमारा काम शुरू करते हैं। अच्छी आदत है। मैडम मा, बोलिए। कामिनी के भैया इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे ना? क्यों? अगर राजी होते तो कल ही बोल देते ना। अचानक कामिनी ने तुम्हें आगे ले आया तो मैं भी परेशान हो गई। वो तो भैया है ना, थोड़ा बहुत तो सोचेंगे। कामिनी के भैया इतने बड़े पॉलिटिशियन होंगे, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट्स ओके। जो भी हो, कामिनी और उसके प्यार को मैं कभी खोने नहीं दूंगा। सब कुछ अच्छा होगा ये सोच बेटे, तो जो नहीं आना चाहिए था वो आया और यही होना था वो हुआ। भैया, मुझे लगा तुम अकेले थे, अभी तो तुम्हारी बहन भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहे तुम, स्टेट लेवल तक पहुंचा दिया।
तुम्हें सेंट्रल तक ले जाने का प्लान था, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा कि तुम ये सब चाहते हो। बड़े साहब, तुम्हारी बहन से शादी करने वाला लड़का, जानते हो कौन है वो? जानता हूँ बड़े साहब। अभी ये सब हमारे साथ इसलिए मिल रहे क्योंकि हमारी जात एक है, समझे तुम? उसमें किसी दूसरी जात को मिला के अपना भविष्य बर्बाद मत करो तुम। देख देख के लोग वोट देते हैं ना, प्यार से नहीं, हम कुछ करेंगे इस विश्वास से, समझ रहे हो तुम? उसे तुम अपने प्यार से बिगाड़ो मत, समझ रहे हो तुम? जा रहा हूं मैं। बड़े साहब आप थोड़े ठंडे हो जाइए, भैया आप जरा आइए। बोल रहे क्या भैया? हमने सोचा आप अच्छे रहेंगे, हमारी जाति अच्छी रहेगी, पर आप तो ऐसे हैं कि अपने बहन के बारे में ही सोच रहे हैं, ये तो अभी समझ में आया ना। अभी भैया आप भी पूछो। इनसे क्या पूछूं मैं, सिर्फ तुम ही बढ़ते जाओगे क्या? हम क्या झुके रहे यहाँ पे? तुम्हारे लिए जिन लोगों ने अपने घर बर्बाद किए उनको कोई भरोसा नहीं कि उनको घर मिलेगा। अभी पहले तो अकेले थे, अब बहन भी आ गई है, हम मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम बढ़ो, ये नहीं कि हमारी पूरी परंपरा तुम्हारे नीचे काम करे। हमारे लिए हमारी जाति मुख्य है, हमारे लोग बढ़ने चाहिए आगे, वो आप करेंगे। तो अब मैं क्या करूं? उस बंदे को घर से भेज दो सर। तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जाने अनजाने में एक मुसीबत में हूं, उस मुसीबत से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारा आना गलत नहीं है, बस समय गलत था। अभी तुम्हारा प्यार गलत नहीं है, बट प्यार का सिचुएशन गलत है। कल जो भैया थे आज वो अनजान है, कल वो शैतान भी बन जाएगा। मुझे बस बतला मत, वो कुछ नहीं जानते, उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इतने साले तुम्हें देखने नहीं आया। तुमने तय किया है, आगे तुम ही तय करोगे, पढ़ी लिखी हो सोच समझ के करो, मेरी हालत मैंने तुम्हें बताया, अब अच्छी तरह सोचो और तय करो। कामिनी, हम भगवान के नाम पर चलते हैं। वो तो ठीक है, पर उनके लव फेलियर और मेरे बीच में क्या कनेक्शन है? संबंध है भाई, ये वो संबंध है। अरे ये क्या है, ये तो मेरे जैसे ही है। तुम और वो एक जैसे दिखते हैं, वही प्रॉब्लम है। भैया का प्यार उसके प्यार को तोड़ दिया, उस दिन से घर के अंदर ही रहने वाली वो, उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। तुमने जो कुछ भी यहाँ पे किया वो सब उस लड़के भरत की तरह ही था। तुम्हें देख के मैं भी जरा जायम गई थी, बेचारी वो छोटी लड़की क्या करती। ये आप मुझे पहले ही बोल सकते थे। मेरा प्यार मुझसे बोलने नहीं दिया। पहले बोलते तो ये उनके साथ नहीं खेलता। मैडम, इस प्रॉब्लम को आप ही सॉल्व करेंगे, जूली भी आपकी बेटी है, उसको कैसे भी आप बचा लीजिए। देखती हूँ। क्या है रे? अम्मा। अम्मा है क्या? सब कुछ बोल दिया? मन मान नहीं रहा था,
सब कुछ बोल दिया। तो मेरा दिल? ऐसा कुछ नहीं है। सो दया के साथ मैं जिंदगी बिता दूं, राइट? जूली, पानी नहीं है, पेट्रोल, जल्दी चलेगी। छोड़ दे, कुछ मत कर तू। ये देखो, गलती पे गलती करने जा रही हो। गलती के बारे में मुझसे मत बोलो। तेरे पे बहुत गुस्सा था, पर अभी तो दया आ रहा है। मत कर कामिनी, यहीं पे सब कुछ रोक दे। डार्लिंग, तुमने सूर्यवंशी पिक्चर देखा है क्या? आज भूल भुलैया देखो, यहाँ से वहां आ जाऊंगी। नेवर एंडिंग कैरेक्टर। देख, जूली को कुछ नहीं होना चाहिए। और सब तेरे हाथ में है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझसे ही तुम शादी करना है। अब ये भरत को वापस ले आना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा वो? लेके आता हूँ मैं। डार्लिंग, इतना मत सोचो, जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा स्मेल है, दया को पसंद आएगा। कब पहुंचेगा ये? माड़ा, भरत भाई, ये क्या है? ये भरत अभी तक मरा नहीं? हमने तभी तो मार दिया था। क्या बोल रहे तुम लोग? ए, भरत को मार डाला। ए, हाँ तारा, उस दिन ठोका था, इसलिए इस दिन ये मिनिस्टर होके खड़ा है। गलती कर दी तुम लोगों ने। तूने भी तो देखा था इन दोनों के चुम्मा चाटी, वो दोनों जाके शादी करेंगे और हम देखते रहेंगे, इसीलिए खत्म कर दिया। क्यों किया रे तुम लोग ने ऐसे? भैया, सच बोलिए, भारत को मार डाला है क्या? नहीं बहन। मेरी कसम काके बोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और कभी नहीं करने वाला। मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। उसे जाने को बोलो। हे, जाओ यहाँ से। माड़ा, इनको बाहर निकाल के दरवाजा बंद करो। ऐसी गलती कर दी कमीनों ने, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो ऐसे कुछ करेंगे मैं बिल्कुल नहीं सोचा था। भैया, अगर आप सोचे तो रोक सकते होंगे ना? भरत, अब भी वो जिंदा होने की योजना में थी, मैं उसे प्यार करती हूँ। जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। सब कुछ खत्म हो गया। आपकी जिंदगी के लिए मेरा जीवन को दाम पर लगाया है। मेरे प्यार के लिए इनका प्यार बर्बाद कर रहे हैं क्या? दीदी, हम लोग सब आपके साथ हैं। सॉरी जूली। अभी फील करके क्या फायदा है सर? आप इंसान हो क्या? अरे सर, पार्टी पार्टी बोल के हर बार पार्टी को सर पे रख के नाच रहे थे, जब प्यार की बात आती है तो पैर के नीचे रख के लात क्यों मारते हो सर? अगर ऐसा एक अच्छा काम कर दिया होता तो कितने लोग खुश हो जाते। पर उसी जाति को अगर हथियार बना देते तो प्यार नाम का कबूतर उड़ जाएगा सर, मर भी जाएगा सर। हर एक जीवित जान को प्यार की जरूरत है सर, ऐसा कोई जीव नहीं जो प्यार नहीं करता। काम के लिए लोग विदेश जाते हैं सर, पर अभी प्यार के लिए भी लोगों को विदेश मत भेजो सर, तब फिर इंडिया में लवर्स ही नहीं मिलेंगे। भैया, एक बात बोलो। बोलो बेटा।